कर और यहीं पे खड़े क्योंकि डेकोरेशन आप लोग देख सकते हैं लेडीज हुई हुई. When you're here, you spark chemical reactions. You're a strike like. Hey guys, welcome back to my channel. Assalamu alaikum. This is me, Faika Hassan. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all doing well. सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे. आज का व्लॉग है काफ़ी स्पेशल और काजिम की बर्थडे है तो मैंने सोचा मैं व्लॉग भी फिल्म कर लेती हूँ. वैसे उसकी जो बर्थडे है वो 24 दिसंबर को है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हर बार हम 24 को ही सेलिब्रेट करते हैं, बट समहाउ बहुत प्रॉब्लम होती है डेकोरेशन, केक, ये सब कुछ अरेंज करने में. तो इस बार हमने सोचा है कि हम थोड़ा सा पहले इसको सेलिब्रेट कर देते हैं, बट ये व्लॉग मैं 24 को ही ऑफकोर्स मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पर. तो आज संडे है एंड हसन भी घर पे हैं. आज हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं, आपको मेरी आंखों से भी लग रहा होगा. रात को मुझे काफ़ी दर्द भी हो रहा था सर में. तो केक भी आ गया है, वो मैंने कल ही मंगा लिया था. अब बस जो है जाके सेलिब्रेट करना है. कहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं और क्या पहनने वाले हैं वो सब कुछ मैं आपको थोड़ा सा फ्रेश होकर दिखाऊँगी. फिलहाल हमने मंगाई है हलवा पूरी, तो हम इंजॉय करेंगे अपनी हलवा पूरी. उसके बाद फिर हम जो है मैं आपको दिखाऊँगी कि काजिम क्या पहनेगा, मैं क्या पहनूँगी एंड सब कुछ. पूरी खाएंगे. तो भाई इसको मैं जल्दी से निकालती हूँ क्योंकि भूख जो है ना वो बहुत शदीद लग रही है. आलू की भाजी एंड हलवा इसी में खा लेते हैं, ऐसा निकालती नहीं हूँ, है ना, बस पूरी निकाल लेती हूँ. वेलकम बैक. नाश्ता करने के बाद मैं लेट गई थी थोड़ा सा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही और पीछे आप देख सकते हैं पूरा मैस हुआ हुआ है क्योंकि मैं सारी चीज़ें निकाल के रख रही थी कि कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ. और पीछे मैंने कपड़े भी निकाल के रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. सीन ये है कि अभी 2:30 बज रहे हैं दोपहर के और हम लोग अराउंड शाम को ही सेलिब्रेशन करेंगे और हम लोग आपस में ही करेंगे, मैं, हसन, काजिम, जैसे हम हमेशा करते हैं. लेकिन हम लोग घर पर नहीं करें, हमारे घर के पास एक जगह है वहाँ पर हम करेंगे. लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बाहर ही की थी, जो हमारे पुराने घर के पास एक अच्छी सी जगह थी वहाँ पर. तो बाहर थोड़ा सा बेटर लगता है, घर में जो है ना डेकोरेशन करो ये वो बहुत जो है ना हेक्टिक हो जाता है क्योंकि फर्स्ट बर्थडे हमने घर में ही की थी. सो हसन जा चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे बर्थडे हो रही है केक लेके, और केक का भी एक सीन हो गया है मैं आपको बताऊँगी बाद में क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं ये मेरा टॉप है जो मैं आज पहनने वाली हूँ. हर साल हम लोग तीनों मैचिंग करते हैं, जो काजिम पहनता है उससे ही मैच में हमारे कपड़े होते हैं मेरे हसन के, बट इस बार डिफरेंट है. मैंने सोचा यार इस बार मैचिंग नहीं, हम डिफरेंट करते हैं. हसन की डिफरेंट है, मेरा ये पिंक है बिल्कुल अपोजिट, और काजिम की ये जो है ना टी शर्ट है और इसके साथ इसके पैंट है. और जब वो तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी. एक्चुअली उसको ब्लिपी वाले जो कार्टून्स हैं वो उसका फ़ैन है, बहुत पसंद है. तो मैंने जो है ना उसका केक भी वैसे ही बनवाया है और उससे ही मैचिंग मैंने बलून्स करवा के उसका शर्ट भी मैंने बाय किए ताकि थोड़ा सा मैच हो जाए, बच्चा खुश हो जाए. माशाल्लाह से 3 साल का हो गया है वो और 24 की उसकी बर्थडे होती है, लेकिन हम लोग सेलिब्रेट पहले कर लेते हैं क्योंकि हर साल इतना मुश्किल होता है कि क्रिसमस आता है यहाँ पे सब घूमने निकल जाते हैं, केक का और डेकोरेशन का सबका बहुत मसला होता है. तो अब मैं जा रही हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई है तैयार होने के लिए. मैंने हल्के मॉइस्चराइज़र लगा लिया, अभी मेरा आजकल एक्नी भी हो रही है, मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया, प्राइमर भी लगा लिया, बस मैं हल्का फुल्का सा मेकअप करूँगी. सो आज मैंने कोई मेकअप ट्यूटोरियल कुछ भी फिल्म नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी और पूरा घर भी फैला हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया एंड बस अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए. You and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping you and I. तो मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड दिस इज माई फाइनल लुक. आप देख सकते हैं बस मैं स्टॉलर चेंज करूंगी फिलहाल, बस मैं वेट कर रही हूँ कि हसन की कॉल आए और वो बोले रेडी हो जाओ, तो फिर मैं अपना स्टॉलर चेंज करूँ, काजिम को तैयार करूँ क्योंकि काजिम को मैंने नहला दिया है, रेडी नहीं किया क्योंकि वो फिर कपड़े गंदे कर लेता है. ठीक है, तो ये जो है मेरा लुक है, मेरा मेकअप है इतनी फ्लॉलेस, या आप फाउंडेशन देख सकते हैं, मैंने डे टाइम के हिसाब से मेकअप किया है.
जो मेरी सीसी क्रीम है जिसके अंदर थोड़ा सा SPF भी है, थोड़ा सा वो वाली सीसी क्रीम मैंने लगाई है और वो फुल कवरेज है, बट डिपेंड करता है आप कितना लगाओ। तो मुझे कवरेज भी मिल गई, साथ में सन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, फिर भी मैंने सन ब्लॉक लगाया है नीचे। सो दिस इज माई फाइनल लुक, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ मेरा फाइनल लुक। एंड अभी इसमें स्टॉलर चेंज होगा, शूज़ चेंज होंगे, ठीक है वो मैंने नहीं किए क्योंकि मैं हील्स पहनने वाली हूँ। पीछे आपको तौलिया नज़र आ रहा है जो हर घर में होता है। एंड यस, ये पर्पल टॉप है जो बहुत स्मार्ट लग रहा है और इसके साथ जो स्टॉलर है वो भी पर्पल है प्लेन। ओके, और अब मैं आप लोगों को मिलूंगी वेन्यू पे पहुंचने के बाद, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी, बहुत ज़्यादा नहीं हल्की फुल्की सी डेकोरेशन करवाई है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और काजिम का केक मैं आपको दिखाऊंगी। बेटे जी मीनू मेरा बर्थडे बॉय है ना पोलशो गुद्दा, मेरी मम्मा आपको बहुत पड़ा पड़ा सा रेडी करेगी। बहुत एटी क्या है मेरा बेटा, मम्मा का बेटा 3 ईयर्स का हो गया। सो यस गाइज, अब मैं इसको जल्दी से रेडी करती हूँ और फिर मैं उसके बाद आपको वेन्यू पे पहुँच कर जो है सब कुछ दिखाऊंगा। खाते नहीं है और असन तो चॉकलेट केक बिल्कुल भी नहीं खाते, इसके 2 पीसेस कर दे यार, ये बंद नहीं होगा असन, बंद नहीं होगा ना, मैंने थोड़ा सा इसमें से ऊपर से काट के इसमें डाल दे, फिर ये हो जाएगा। 1 2 3 काजिम ये हमारे घर के पास एक होटल है जहाँ से हमने जो है बर्थडे की है, ये सामने का सारा व्यू है। एंड ये कादिम है, इन्होंने बहुत मुश्किल से पिक्चर जो है ना अपनी कैप्चर करवाई है। समीर कादिम काजिम, बेबी बेचारी कोशिश कर रही है उसको सेट करने के लिए। कैसी रही बर्थडे? बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया आपको? बहुत मजा आया। मैं सोच रही हूँ अपना भी एनिवर्सरी का केक मंगा ले इंशाल्लाह, और यहीं पे खड़े क्योंकि डेकोरेशन आप लोग देख सकते हैं एज इट इज हुई है आराम से, 10 मिनट आधे घंटे का भी प्रोग्राम नहीं था। एंड यस, आपका बेटा माशाल्लाह से 3 साल का हो गया। हाय, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं? बहुत जबरदस्त फीलिंग्स है, बस लड़की ढूंढ रहे हैं उसके। नहीं नहीं, अभी तो बहुत छोटा है मेरा बच्चा। एंड आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में हम तीनों कैसे लग रहे हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, स्पेशली ऐसे लग रही हूँ बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ये सिर्फ कैमरे के लिए बोला जा रहा है, इनको पता है व्लॉग बन रहा है, ये देखें क्या कहने। एंड ये देखें, जिनके लिए इतनी जतन हुई है वो बैलून्स को जो है वो, हाँ उनको बलून्स फाड़ने आ गए हैं। और मम्मा को बेचू सब, आपको हैप्पी बर्थडे बोल लें। याल्ला याल्ला याल्ला, क्या क्या ये चाह रहे हैं, सारे बलून्स जो है ना ऊपर से नीचे फेंक दे, इसको ये आ गया है। और नीचे जितने भी लोग होंगे ना सोचोगे ऊपर से कहाँ बरसात हो रही है बलून्स की। काजिम इन्हें पॉलिश पॉलिश, अब मैं बाऊँ, लेट मी
यार मेरे नाखून ही बड़े नहीं है। नहीं बेटा ये जिद्दी वाला बलून है। एक्चुअली खाना हम लोग घर जाके खाएंगे, यहाँ पे जस्ट हम थोड़ा सा स्नैक खा रहे हैं। खाना हम घर जाके खाएंगे क्योंकि जो है खाने में बना है अचार गोश्त, बहुत लजीज, बहुत उम्दा। मैंने बनाया है, मैंने बनाया। मुझे पता था इस चीज़ पे फौरन से आवाज आएगी। हाँ मैं नहीं काटूंगी, डोंट वरी। हसन ने अचार गोश्त बनाया है तो हम घर जाके नान के साथ खाएंगे अचार गोश्त। नान आ गए? ओके जी। सो यू हैव डन, यू हैव डन एंड वी आर हैविंग स्नैक। मैं हूँ, हसन है, हमारी हेल्पर है जो हमारी फैमिली की तरह है, एंड हमारा फोटोग्राफर। मेरा क्या है भाई, हमारे पास तो है ही नहीं लाइम आपके में से। इसका क्या नाम था इस जूस ड्रिंक का? बजीतो। बजीतो ये बहुत अच्छी होती है, इसमें लेमन और मिंट का फ्लेवर आता है। मिंट तो नज़र ही आ रहा है, स्प्राइट भी जल्दी होती है। तभी क्या ब्रश से कंघा करते हो? गिव मी। काजिम, काजिम गुड्डू, अम्मा के गुड्डू। ओके जी, तो बर्थडे हो गई, खाना भी हो गया, अब हम जाएंगे घर दो तीन और पिक्चर्स लेने के बाद। You have finished? I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place. A place where you'll make a just be alone. तो हम आ चुके हैं घर और शाम के भी बजने वाले हैं 6 और चाय की क्रेविंग हो चुकी है स्टार्ट। चाय पियेंगे, खाना वाना खाएंगे रात को। और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं काजिम की बर्थडे का व्लॉग फिल्म कर रही हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी पूरा दिन इतना हेक्टिक होता है तो नहीं हिम्मत होती है कि बंदा व्लॉग फिल्म कर पाए। आज का भी व्लॉग कुछ खास नहीं था आई नो स्पेशली, बट मैंने ट्राई किया कि मैं व्लॉग फिल्म करूँ। जो लोग व्लॉग देखना पसंद करते हैं मुझे बोलते हैं कि आप व्लॉग बनाया करें, तो उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ फिल्म करूँ छोटा मोटा। बट व्लॉगिंग ईजी नहीं है स्पेशली यहाँ पे। तो और आज का मेकअप लुक मेरा फेवरेट है, इतना सिंपल मेकअप मैंने किया है, इतनी कम चीज़ें लगाई हैं, ना कॉन्टोर की है ना हाइलाइटर लगाए, फिर भी मुझे आज का मेकअप मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि इस आउटफिट के साथ, इस टॉप के साथ बेस्ट लग रहा है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें। मेरे बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं थी, उसका माशाल्लाह थर्ड बर्थडे था और आगे भी इंशाल्लाह बहुत सारी उसकी बर्थडे इस तरह से इंशाल्लाह सेलिब्रेट करते रहेंगे और मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। दुआ में याद रखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा क्योंकि वहीं पे मैं सारी पिक्चर्स अपलोड करूँगी, पोस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।